एवरीवन, तो लाइक ऑलमोस्ट 20 डेज पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस करा था कि कुछ रीज़न होगा जिस वजह से एनिका और आकृति की फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी, एंड अभी वो रीज़न क्लियरली पता चल गया है। यहाँ से आकृति और एनिका एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं एंड दोनों एक दूसरे को टारगेट भी करेंगी। गाइज, इन सब के अलावा आज का जो डोम सेशन था ना, वो बहुत इमोशनल था। मुझे इशिता और सिवेद दोनों के एलिमिनेशन से बहुत बुरा लगा। इनिशियली जब सब आकृति के अगेंस्ट में थे ना, तो आई वॉज फीलिंग बैड फॉर हर, पर आई थिंक आकृति को यहाँ पर सिवेद को डंप नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो और एनिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड आई थिंक सिवेद और एनिका ने इसी रीज़न की वजह से पिच नहीं करा, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि आकृति उनकी फ्रेंडशिप को एक चांस देंगी, एंड ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं हुई थी। अभी सिवेद डंप हो गया ना, तो हमें एनिका का एक अलग वो देखने के लिए मिलेगा, एंड एनिका का गुस्सा यहाँ पर जस्टिफाइड भी है। बाकी आपके हिसाब से इस सिचुएशन में कौन सही था, सिवेद या फिर एनिका, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी जो अपकमिंग टास्क है ना, वहाँ पे सारे कपल्स परफॉर्म करेंगे, उन्हें क्या करना होगा कि विला के बाहर जाना होगा एंड वहाँ से ना कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी। अभी जो भी कपल्स ये काम पहले कर लेंगे ना, वो जीत जाएंगे, फिर उनको मौका मिलेगा उसके बाद वाला टास्क परफॉर्म करने का। अभी जो शोभिका है ना, वो लक्ष्य के साथ पेयर अप कर लेंगे टास्क के लिए, एंड जो सचिन एंड उन्नति हैं, वो साथ में पेयर अप करेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लेट अस नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।